अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक. इन द प्रीवियसली लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट हाउ द गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स एंड विच स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस इन द प्लांट्स. सो बेसिकली अगर हम गैशियस एक्सचेंज की बात करें तो ये दो कॉम्पोनेंट्स हैं अलमाइटी की तरफ से जो कि ह्यूमंस के अंदर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस कम्प्लीट करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड वन इज़ लंग. तो एयर पैसेज वे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे एयर पैसेज वे एक टर्म जो है वो इंडिकेट कर रही है कि एयर के जो गुजरने का वो रास्ता है, एयर किन किन जो है वो स्टेजेस से पास आउट होती है, किन किन पैसेजेस से गुजरती है, उसको हम बेसिकली एयर पैसेज वे कहते हैं. सो एयर पैसेज वे का पहला कॉम्पोनेंट हमारे पास है नेजल कैविटी. नेजल कैविटी की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि नोज़ इनक्लोजेज अ कैविटी कॉल्ड द नेजल कैविटी. ठीक है, हम आउटसाइड दी जो है इन्वायरमेंट एयर को इनटेक करते हैं वाया नोस्ट्रल्स. हम नोस्ट्रल से जो है वो एयर को इनटेक करते हैं इन्वायरमेंट से, उसको जो है वो बेसिकली नेजल कैविटी के थ्रू जो है वो हम एयर को इनटेक करते हैं. और अलमाइटी की तरफ से इसमें दो बेसिक जो हैं वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज़ म्यूकस एंड फाइन हेयर्स. ये दो स्ट्रक्चर बेसिकली प्रेजेंट हैं, म्यूकस और हेयर पार्टिकल्स जो हैं वो फाइन हेयर पार्टिकल्स हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट है. अब म्यूकस का इसमें क्या फंक्शन है, जो हमने एयर को इनटेक किया है आउटसाइड द एनवायरनमेंट, अब म्यूकस का फंक्शन इज़ एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर है हमारी बॉडी के अंदर. अगर हम देखें तो गर्मियों में अगर हम एयर को इनटेक करते हैं तो आउटसाइड द जो एनवायरनमेंट है वो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, लाइक समटाइम्स 44 डिग्री सेल्सियस, और हमारी जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. तो उस सिलसिले में जो आउटसाइड द एयर इनटेक हुई है उसको जो है वो म्यूकस जो है वो टेम्परेचर उसका बैलेंस करता है, और देन जो एयर है पास आउट होती है ट्रेकिया के अंदर. तो उस सिलसिले में जो आउटसाइड द एयर इनटेक हुई है जो म्यूकस है वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है. इससे ये नहीं होगा कि 45 डिग्री सेल्सियस की एयर को ही हमने जब इनटेक किया तो उससे तो हमारी ट्रेकिया जल जाएगी सारी, इससे तो हमारा जो हमारा इनहेलेशन का सिस्टम है जिससे हम एयर अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं वो ही सारा डैमेज हो जाएगा. तो म्यूकस का बेसिकली फंक्शन ये है कि वो टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करता है. इसी तरह सिनेरियो सर्दियों में भी है, विंटर में अगर हम देखें तो टेम्परेचर मोस्टली माइनस में भी चला जाता है. तो माइनस टेम्परेचर तो इट्स टू मच लो फॉर द बॉडी टेम्परेचर. तो 37 डिग्री सेल्सियस और कहाँ जो है वो -1-2 डिग्री सेल्सियस. तो जो म्यूकस है वो टेम्परेचर को स्टेबल करता है. नेक्स्ट जो है वो एयर पास आउट होती है हमारे नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर, जैसे लेरिंग्स और ट्रेकिया के अंदर मूव करती है. नेक्स्ट हमारे पास है नोस्ट्रल्स. अब नेजल कैविटीज़ के अंदर जो नेजल कैविटी ओपन होती हैं वो हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर जो है वो ओपन होती हैं. और हमारे पास दो तरह की टाइप्स है नोस्ट्रल की, दैट इज़ एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स एंड इंटरनल नोस्ट्रल्स. एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स वो जहाँ से हमने एयर को इनटेक किया है फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट, और इंटरनल नोस्ट्रल्स जो कि नेक्स्ट ओपन होते हैं फेरिंग्स के अंदर, वो जो है प्रोजेक्शंस जो है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फेरिंग्स कहलाती है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो फेरिंग्स प्रेजेंट है. फेरिंग्स डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मस्कुलर पैसेज वे है फॉर बोथ द एंट्रेंस ऑफ फूड एंड एयर. जो है फूड और एयर जो है वो इसके लिए कॉमन पाथवे है फेरिंग्स, लेकिन जो है वो एक टाइम में एक चीज़ जो है वो इसके अंदर एंटर होगी. इंटरनल नोस्ट्रल्स ओपन्स इन टू द फेरिंग्स. नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेरिंग्स. लेरिंग्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, और जो है वो फेरिंग्स की प्रोजेक्शन है हमारे पास नेक्स्ट लेरिंग्स में. इसके अंदर जो है फाइबरस बैंड्स प्रेजेंट है. अब फाइबरस बैंड्स जो हैं वो इस तरह के प्रेजेंट हैं कि ये पेयर्स में प्रेजेंट हैं. जब एयर जो है वो मूव करती है इन फाइबरस बैंड्स के अंदर तो ये वाइब्रेट करते हैं, जिनकी वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है. और लेरिंग्स को जो है वो हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. वॉइस बॉक्स इस वजह से कहते हैं कि ये जो है ऑर्गन हमारी बॉडी का रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वॉइस प्रोडक्शन. अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ओनली स्पेसिफिक फॉर द ह्यूमन बींग्स हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है वो साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. हम देखें तो एवरी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. हम इंसेक्ट्स को देख लें, हम जो है वो एनिमल्स को देख लें, वो कोई स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो साउंड को स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो ये एबिलिटी दैट इज़ ओनली स्पेसिफिक फॉर द ह्यूमन बींग्स के वो जो है वो साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और वो जो है वो बेसिकली लेरिंग्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से पॉसिबल है. अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास फेरिंग्स के फ्लोर के ऊपर, एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स हमारे पास
एक ओपनिंग प्रेजेंट है, उस ओपनिंग को हमने ग्लोटिस का नाम दिया है, और ग्लोटिस के जो ऊपर फ्लैप ऑफ द फाइब्रस बैंड है, एक फ्लैप है, एक उसको ढक्कन कह सकते हैं, उसका कवर है ग्लोटिस का, उसको हमने एपिग्लोटिस का नाम दिया है। नेक्स्ट मूव करें तो ये हमारे पास फेरिंग्स के बाद जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेरिंग्स का। लेरिंग्स हमारे पास क्या है? हमारे पास लेरिंग्स वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि फाइब्रस बैंड्स है जो कि वाइब्रेट करके ह्यूमन के साउंड को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ग्लोटिस प्रेजेंट है ये एट द बेस ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट है। हमने जैसे बताया कि फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज हुए है, एक मस्कुलर पैसेज हुए है जो कि कॉमन है फॉर बोथ द एंट्रेंस ऑफ फूड, फॉर बोथ द एंट्रेंस ऑफ फूड एंड फॉर द एंट्रेंस ऑफ एयर, ठीक है। और ये हमारे पास ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हमने ग्लोटिस का नाम दिया, राइट। और इस ग्लोटिस के ऊपर जो है इसका ढक्कन लगा हुआ है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बेसिकली कहते हैं एपिग्लोटिस, राइट। जब हमारे पास फूड इनटेक करते हैं हम, ठीक है, तो इस एपिग्लोटिस को जो है वो क्लोज कर दिया जाता है, ये ढक्कन इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है, मतलब ग्लोटिस को जो है वो कवर कर लिया जाता है इस एपिग्लोटिस की वजह से, ताकि जो है वो फूड जो है वो खुराक की नाली में, दैट इज़ एसोफेगस। एसोफेगस हमारे पास बेसिकली जो है वो खुराक की नाली है, और जो है उसको कवर कर लिया जाता है ताकि खुराक की नाली में जो है वो फूड एंटर हो सके, वो एयर की नाली में जो है वो एंटर ना हो सके। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज़ ट्रेकिया। ट्रेकिया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास विंड पाइप है, इसका दूसरा नाम विंड पाइप भी है, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है आफ्टर द लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारे पास ट्रेकिया प्रेजेंट है, और ट्रेकिया जो है वो 12 सेंटीमीटर की जो है वो लॉन्ग ट्यूब है, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट है जो कि एयर जो आती है उसके अंदर नेक्स्ट जो है वो मूव करती है ट्रेकिया के अंदर। अगर हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये इनके साथ लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली जो है ये ट्रेकिया जो है वो सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। ट्रेकिया के बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारे पास है ब्रोंकाई, और हम ब्रोंकाई को ये जो ट्रेकिया है वो ओपन होते हैं लंग्स के अंदर, और ये जो ओपनिंग लंग्स के अंदर होती है इनको हम बेसिकली बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज प्लूरल, और अगर हम इसको सिंगुलर कंसिडर करें तो ब्रोंकस इज द सिंगुलर ऑफ ब्रोंकाई, और ब्रोंकस इसका सिंगुलर है। डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रोंकाई, और मैं आपको एक बात बताते चलूं कि जैसे जैसे हम ट्रेकिया से दूर होते जाते हैं उसी तरह उसमें जो है वो कार्टिलेज की जो है वो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, और एट लास्ट जो है वो कार्टिलेज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहता उस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। इन ब्रोंकाई की नेक्स्ट जो प्रोजेक्शंस होती हैं, इन ब्रोंकाई की प्रोजेक्शंस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट इन ब्रोंक्यूल्स की प्रोजेक्शन होती है तो हमारे पास एल्वियुलर डक्ट एक स्ट्रक्चर बनता है, और मैं आपको बताऊं कि जो ब्रोंकाई जब 1 मिलीमीटर का डायमीटर अटेन कर लेते हैं वो इतने नैरो डाउन हो जाते हैं, वो अपने आप को स्प्लिट करते रहते हैं, तो ब्रोंकाई जब 1 मिलीमीटर का डायमीटर अटेन कर लेते हैं तो उसको हम बेसिकली ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर, इसका जो है वो स्टैंडर्ड डायमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो आगे प्रोसीड करते हैं, इनकी प्रोजेक्शंस होती है, नेक्स्ट जो है वो अपने आप को बाइफर्केट करते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियुलर डक्ट। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एल्वियुलर डक्ट का, और ईच एल्वियुलर डक्ट जो है वो अपने आप को नैरो डाउन करती है, अपने आप को एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है, अपने आप को एक जो है वो इनक्लोज करती है एक मेम्ब्रेन के अंदर, और अपने आप को प्रोजेक्शन जो है वो इसकी जो है वो नेक्स्ट एल्वियुलाई के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसकी नेक्स्ट प्रोजेक्शंस हमारे पास, ईच एल्वियुलर डक्ट जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करती है
नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्शंस क्रिएट करती है, और ये जो है वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को बेसिकली बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ट्रेकिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई से नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा एल्वियुलर डक्ट का, और एल्वियुलर डक्ट अपने आप को जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेगी, नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करेगी एल्वियुलाई में। ठीक है, हमारे पास जो मूव करते हुए ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियुलर डक्ट और एल्वियुलाई में कार्टिलेज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, और एल्वियुलाई हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, जो कि ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है, वो एल्वियुलाई के अंदर टेक प्लेस करता है। नंबर सिक्स पे हमारे पास प्रेजेंट है, ट्रेकिया के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ब्रोंकाई, नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स हमारे पास बेसिकली प्रोजेक्शंस है ब्रोंकाई की ही, जब ब्रोंकाई ने अपने 1 मिलीमीटर का डायामीटर अटेन कर लिया है उसको हम बेसिकली बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और नेक्स्ट मूव करते हुए हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, नेक्स्ट हमारे पास एल्वियुलर डक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारे पास है एल्वियुलाई। और एल्वियुलाई क्या है, हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, और ह्यूमन के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो एल्वियुलाई के अंदर टेक प्लेस करता है। एल्वियुलाई जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एल्वियुलाई की स्पेसिफिकली बात करें तो एल्वियुलाई हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया एल्वियुलाई हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, और ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और ये सराउंडेड होता है बाय द ब्लड कैपिलरीज, सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। और अल्माइटी की तरफ से जो ब्लड कैपिलरीज हैं और एल्वियुलस की जो दीवारें हैं, कैपिलरीज और एल्वियुलस की दीवारें जो हैं वो वन सेल थिक बनाई गई हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द ब्लड। अगर हम देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहाँ पर डी ओ से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको पम्प किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट लंग्स जो हैं उससे आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, नेक्स्ट हमारे पास वेन्यूल्स, और नेक्स्ट हमारे पास वेन्स। वेन्स हमारे पास कौन सी होंगी, वेन्स हमारे पास होंगी जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके लंग्स की तरफ गई थी, इसी तरह अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन लेके जाएगी हार्ट की तरफ जो है वो वापस। तो हमारे पास यहाँ पे पल्मोनरी वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ पंप किया जाएगा टूवर्ड्स हार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स थे जो कि स्टेप बाय स्टेप एयर पैसेज वे का पार्ट थे, जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो प्रोसेस टेक्स प्लेस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक साइड टेबल प्रेजेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि कोलिमिनर एपिथीलियम सेल जो है वो ब्रोंकाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए प्रेजेंट होते हैं कि अगर जो है वो फॉरन पार्टिकल्स जो कि इन्वेड कर लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि अच्छे पार्टिकल्स नहीं होते हमारी बॉडी के लिए, तो वो वहाँ पर ट्रैप कर लिए जाते हैं, और वो पार्टिकल जो है इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम वो जो है वो स्पूटम फेरिंग्स की तरफ जो है उसको पुश किया जाता है ताकि हम उसको अपने हलक से बाहर निकाल सकें।
तो ये कुछ डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से जो है वो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस ह्यूमन के अंदर कंप्लीट होता है, ह्यूमन के अंदर किस तरह जो है वो टेक प्लेस करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ, अगर हम इसको समराइज करें तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हमारे पास नेजल कैविटीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल्स हमारे पास दो तरह से हैं, दैट इज़ इंटरनल नोस्ट्रिल्स एंड एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स हमारे पास जो है वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड दी फाइन हेयर पार्टिकल। बहुत सिमेट्रिकली अरेंज हमारे पास फाइन हेयर पार्टिकल्स हैं और उन फाइन हेयर पार्टिकल्स का क्या पर्पज़ है, जो कि आउटसाइड द एयर जो अगर फॉरेन पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल हैं जो है वो हमने इनटेक कर लिए हैं तो वो उसको हेयर पार्टिकल्स जो है वो इंट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स मैंने आपको बताया कि वो एक मस्कुलर पैसेज वे है फॉर बोथ द एंट्रेंस ऑफ फूड एंड एयर। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेरिंग्स का। लेरिंग्स हमारे पास वॉइस बॉक्स है। लेरिंग्स के बाद हमारे पास ट्रेकिया है। ट्रेकिया हमारे पास विंड पाइप है। ट्रेकिया की प्रोजेक्शन नेक्स्ट ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई से नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट और नेक्स्ट हमारे पास फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज एल्वियोलाई विच इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स जो है कंप्लीट होता है एयर पैसेज वे। और अगर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस पूरा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको कंसिडर किया जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, और हमारे पास जो है इसको और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज ट्रेकिया। आप फेरिंग्स और लेरिंग्स जो है उसको डिफाइन करें। बेसिक जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास ग्लोटिस वो एपिग्लोटिस का पूछते हैं कि एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में जो है वो मेन डिफरेंस बताएं। ये भी जो है वो आपको 2 मार्क्स का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के पेपर में। ओवरऑल जो है आप इस तरह का पिक्टोरल ड्रॉ करके अगर आपको वो कहें कि आप ट्रेकिया की जो है वो हमें स्कीमेटिक डायग्राम दे, तो आप इस तरह की पिक्टोरल ड्रॉ करके अपने पेपर को एक अच्छा आई कैचर भी जो है वो बना सकते हैं। आई होप सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इजी रहा होगा एंड यू पीपल हैव नो डिफिकल्टी इन इट। थैंक यू सो मच।